कोई राजनीति के घर में अगर उसके बेटे को कैंसर होगा ना, वो मस्जिद भी जाएगा, मंदिर भी जाएगा, चर्च भी जाएगा, लेकिन जब माइक हाथ में रहेगा बोलेगा मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं मरता हूँ, अपने फायदे के लिए सब करते हैं। आई थिंक यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि आज मैं आधे घंटे के लिए टोपी पहनूंगा तो मेरा धर्म बदल जाएगा। जब मैं कुछ होगा तो मैं क्रिश्चियन धर्म से मुझे आखिरी जो भी रिचुअल्स होती किया जाएगा, तो ये खुशियाँ होती है। और मैं तो कहूँगा कि मैं जो भी करता हूँ जी भर के करता हूँ, पूरे ईमानदारी के साथ करता हूँ, तो त्यौहार में ईमानदारी से क्यों नहीं मनाऊँ। मीरा भाईंदर शहर में एकता की मिसाल है मोजेस चिनप्पा। मीरा भाईंदर शहर के सामाजिक कार्यकर्ता मोजेस चिनप्पा कई सालों से सभी धर्मों के कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। फिर चाहे वो गणेश उत्सव हो या फिर रमज़ान ईद हो या क्रिसमस, इसी तरह के कार्य से मोजेस चिनप्पा को मीरा भाईंदर शहर में एकता की मिसाल कायम करने वाले व्यक्ति भी कहते हैं। 20 जनवरी शुक्रवार को हजरत गोवारशाह बाबा दरगाह के उर्स के मौके पर सामाजिक कार्यकर्ता मोजेस चिनप्पा ने अपने घर काशीमीरा स्थित मंगल नगर से गोवारशाह बाबा दरगाह पर चादर पेश करने के लिए ढोल नगाड़े के साथ निकले थे। इस मौके पर मोजेस के साथ सैकड़ों भाविक भी उपस्थित हुए थे। इस संदर्भ में सामाजिक कार्यकर्ता मोजेस चिनप्पा ने क्या कहा, आइए जानते हैं। देखिए, मेरा जो बचपन है कुलाबा में गुजरा है, कुलाबा आप जानते हैं साउथ मुंबई में, और वहाँ पर जहाँ मैं रहता था वहाँ पर गुरुद्वारा, मस्जिद, मंदिर और चर्च सब आजू बाजू में थे, और हमें बचपन से आदत है, तो मैं तो वही कर रहा हूँ जो मैं बचपन से कर रहा हूँ। काफ़ी लोग को लगता रहेगा क्योंकि मैं राजनीति में हूँ, सोशल वर्क में हूँ, पर ये जो संदल है, हमारे यहाँ संदल कहते थे, यहाँ पर उर्स कहते हैं, ये हमारे अफगान चर्च के जो दरगाह है वहाँ पर होता था, और मैं कहीं भी हूँ वहाँ पर दो घंटा जो ढोल नगाड़ा बजता था मैं देखता था, मन में खुशी होती थी। तो ये राजनीति से इसका कोई लेना देना नहीं, मैं वही करता हूँ जो मेरे मन में खुशी हो, और इसी बहाने मेरे सब दोस्त जो है आजू बाजू के सब शहर से आए हुए हैं। मीरा भाईंदर शहर में आप देखोगे तो यहाँ पर मन्नत के काफ़ी मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, चर्च है, सभी धर्म के लोग सभी जगह जाते हैं, और मेरे घर में मेरे परिवार में सभी धर्म की खुशियाँ को बहुत अच्छे से मनाया जाता है। और गौरशाह सैयद गौरशाह बाबा का जो एनिवर्सरी है, मैं कुछ 10 साल पहले घर पे कुछ तकलीफ आई थी, माँ बीमार थी, तो मैं वहीं पर गया था, मन्नत मांगा था, तो मेरी आस्था भी है, भले वो अजमेर शरीफ हो या काशीमीरा का दरगाह हो या बाले पीर शाह जो अपने उत्तन में है, उनसे पहले धारावी मंदिर है, तो मैं तो जहाँ जाता हूँ मन्नत मांगता हूँ, मेरा काम होता है, तो मैं क्यों नहीं धूमधाम से खुशी मनाऊँ। और अभी कोविड ख़त्म हो गया है तो हम सबको मिलजुल के इसकी खुशी को मनानी चाहिए। मुझे गर्व है कि हमारे शहर में पहली चादर मोजेस चिनप्पा फाउंडेशन से जा रहे हैं, अब तो प्रोग्राम शुरू हुआ है, ढोल नगाड़े के साथ हम आटके से होते हुए काशीमीरा जाएंगे, और आप लोग सब आइए। कि आम आदमी को आप देखोगे, आप 20, 21, 22 तारीख को आना, अगर वहाँ पे 2000 लोग रोज आते हैं उसमें से 700-800 बिना टोपी के आएंगे, वो हिंदू है और क्रिश्चियन है, तो जब इंसान को तकलीफ होती है, खुशी हो या दुख हो, वो मंदिर मस्जिद जाता है। ये राजनीतिक नेता है जो तकलीफ में, मैं आज बताऊँ नाम नहीं लूँगा, कोई राजनीति के घर में अगर उसके बेटे को कैंसर होगा ना, वो मस्जिद भी जाएगा, मंदिर भी जाएगा, चर्च भी जाएगा, लेकिन जब माइक हाथ में रहेगा बोलेगा मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं मरता हूँ, अपने फायदे के लिए सब करते हैं। आई थिंक यहाँ पर काफ़ी लोग मौजूद हैं, मैं क्रिश्चियन हूँ पर इतने धूमधाम से कर रहा हूँ जैसे इमरान हाशमी निकालेंगे, उसी तरह मैंने कोई कमी नहीं की, कुछ कमी होगी तो मुझे माफ़ करना, पर मैं जोर शोर से निकाल रहा, तो ये जो धर्म का है, मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, हम जब दूसरे शहर में जाते, इंग्लैंड में जाते, लंदन में जाते, तो वहाँ के तहजीब को अपनाते हैं, उस तरह गुड मॉर्निंग बोलते हैं, गुड इवनिंग बोलते हैं, हम पेरिस जाने से पहला हम ये सीखते हैं कि वो वहाँ पर नाश्ता कैसे मनाया जाए, तो हमारे आजू बाजू में जो दोस्त मित्र है इनके धर्म को हम क्यों नहीं इज्जत दे सकते। मुझे नहीं लगता कि आज मैं आधे घंटे के लिए टोपी पहनूंगा तो मेरा धर्म बदल जाएगा। जब मैं कुछ होगा तो मैं क्रिश्चियन धर्म से मुझे आखिरी जो भी रिचुअल्स होती किया जाएगा, तो ये खुशियाँ होती है। और मैं तो कहूँगा कि मैं जो भी करता हूँ जी भर के करता हूँ, पूरे ईमानदारी के साथ करता हूँ, तो त्यौहार में ईमानदारी से क्यों नहीं मनाऊँ। और सभी को, और मीरा भाईंदर के सभी वासियों को, शहर वासियों को 20, 21, 22 को काशीमीरा में आना है, और उर्स मुबारक हो आप सभी को। आज यहाँ पे आप इसके पहले भी आए थे, गए साल में गरीब नवाज के लिए चादर यहीं से अपने भेजे थे, आप थे वहाँ पे, तो मैं मोजेस भाई को मैं
हमेशा दिल से मैं ये कहता हूँ कि आप हो तो हमारे को एक भारत यहाँ पे देखने को मिलता है। तो मैं अल्लाह से ये दुआ करूँगा कि आप हमेशा अच्छे रहो और इसी तरह हर साल संदल वगैरह यहाँ से निकालते रहो किसी तरह हसूल्लाह के साथ में। लाइट बहुत ज़्यादा है, लाइट, टैक वाला लाइट, अंदर वाला लाइट, जान के मतलब नहीं है।